नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल योग अरोरा। मेरा नाम है रश्मि और आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी योगा प्रैक्टिसेस के बारे में जो कि हेल्प कर सकती हैं आपके स्टैमिना को इम्प्रूव करने के लिए। तो स्टैमिना क्या होता है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्यों जो है वो स्टैमिना डेवलप करना मुश्किल होता है, वो सब हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टैमिना क्या होता है? स्टैमिना जो है वो होता है हमारी बॉडी में जो भी फिजिकल स्ट्रेंथ है या फिर मेंटल स्ट्रेंथ है जो हमको चाहिए होती है कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए ज्यादा लंबे समय तक। अगर आप लोग अपने डेली रूटीन में कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको ज्यादा लंबे समय तक करना है आप लोग को, स्पेशली कोई डिफिकल्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, एंड दैट इज व्हाट इज स्टेमिना। बट होता क्या है, जब आप लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी थक जाती है, आपकी बॉडी का जो ब्रीदिंग रेट है वो ज्यादा बिगड़ जाता है या आप लोग की बॉडी बहुत स्ट्रेस में आ जाती है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी में जो है वो स्टेमिना जो है वो कम है। तो होता क्या है, जब हम लोग स्ट्रेस में आते हैं, हमारा जब इस तरह से स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हम लोगों को चाहिए होता है, तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट इन द सेंस सब अलर्ट हो जाते हैं कि बॉडी को जो है वो रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो पंप करने लग जाता है बॉडी को, एंड दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट। हमारे लंग्स जो है वो बहुत जल्दी एक्सपैंड और कोलैप्स होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में स्वेटिंग होने लग जाती है, पैंटिंग होने लग जाती है। तो ये सब जो है वो शो करता है कि बॉडी जो है वो स्ट्रेस के अंडर है। उसको कॉम्बैट करने के लिए, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ योगा प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि इन रिटर्न हेल्प करती है ड्यूरिंग द स्ट्रेस टाइम आपकी बॉडी में ये अलर्ट मोड को रिलैक्स करने के लिए, आपके माइंड को काम रखने के लिए, ताकि आप लोग ये एक्टिविटीज जो है वो लंबे समय तक कर पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के साथ। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग को हम लोग करेंगे पद्मासना में बैठ के। अगर आप लोग पद्मासना में नहीं बैठ सकते हैं तो आप लोग अर्ध पद्मासना में बैठ के भी इसको कर सकते हैं। तो पद्मासना में बैठने के लिए आप लोग अपने एक फीट को अपने थाई के ऊपर रखेंगे, दूसरे फीट को भी थाई के ऊपर रखेंगे। इसके बाद आपके दोनों लेग्स जो है वो नीचे फ्लोर पे होने चाहिए, अपने हिप बोन्स को एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद ध्यान रखिए कि आपकी बैक जो है वो कम्प्लीटली स्ट्रेट होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे 3 राउंड्स ऑफ ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग करने का सही तरीका क्या होता है, इसके लिए आप लोगों को एक स्पेसिफिक वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं 3 राउंड्स ऑफ ओम चैंटिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऐसे आसना जो कि आपकी हेल्प करेंगे स्टैमिना को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ओम चैंटिंग के साथ। बैक को स्ट्रेट रखा, पद्मासना में बैठ गए। पहले आप लोग अपनी ब्रेथ को रिलैक्स कर लीजिए, हाथों को आप लोग कंफर्टेबल पोस्चर में अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो कोई मुद्रा भी लगा सकते हैं। एक डीप इनहेल लेंगे और एक्सहेल के साथ ओम चैंटिंग स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स विद नॉर्मल ब्रीदिंग। एंड जेंटली ओपन योर आइज। तो ओम चैंटिंग से जो है वो आपके मेंटल रिलैक्सेशन होती है, आपके माइंड को जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है ज्यादा देर तक कुछ एक्टिविटी कर पाने के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा पहला आसना जो कि है बोट पोज, नव आसना। उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पहले आप लोग अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट करके दंडासना में बैठेंगे। इस तरह से दंडासना में बैठेंगे,
यहाँ पे आप अपने दोनों हाथों को नीचे फ्लोर पे रख सकते हैं। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग अपने हाथों के सपोर्ट के साथ भी अपने लेग्स को लिफ्ट कर सकते हैं। लेग्स को लिफ्ट करने के लिए आप लोग पहले अपने लेग्स को इस तरह से बेंड करेंगे, अपनी बॉडी को पीछे हल्का सा बेंड करेंगे, बट ध्यान रखेंगे कि बैक जो है वो एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। इस तरह से स्लाउच नहीं होनी चाहिए, ये राउंड कर्व नहीं आना चाहिए बैक में। बैक को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। इसके बाद आप चाहे तो अपने हाथों को नीचे रखिए, चाहे सपोर्ट के लिए लेग्स पे रखिए। तो अगर आप लोग बिगिनर हैं तो इस तरह से अपने सपोर्ट के साथ दोनों लेग्स को लिफ्ट करेंगे, अपने एंकल्स को स्ट्रेच करके रखेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को आप चाहे तो नीचे रख लीजिए या फिर सामने। तो यहाँ पे आप लोगों को फील करना है जितना भी आपकी स्ट्रेंथ है आपके कोर में, उसको यूटिलाइज करके आपको इस आसना को होल्ड करना है। यू कैन होल्ड दिस आसना फॉर एटलीस्ट 3 to 4 breaths, 3 to 4 deep breaths, एंड देन स्लोली ब्रिंग योर लेग्स डाउन एंड योर बैक स्ट्रेट। तो ये था नव आसना जो कि आपके कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासना इज लाइक सरेंडरिंग योर सेल्फ। तो इसमें जब आप लोग अपने आगे बॉडी को बेंड करते हैं तो पहले तो आप लोग अपनी स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेच कर रहे हैं, तो आपकी स्पाइन की मोबिलिटी बढ़ती है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होती है। उसके अलावा ये आपके माइंड को जो है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी ये इम्प्रूव करता है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे, अपनी लोअर बैक के साथ धीरे आगे आगे नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर जो है वो ओपन होने चाहिए। धीरे धीरे आप लोग आगे जाइए। यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, शोल्डर्स अगर रोल हो जाएंगे तो बैक जो है वो हंच हो जाएगी इस तरह से। ये अवॉइड करने के लिए अपने शोल्डर्स को ओपन रखिए और सामने देखते रहिए। उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाइए, हाथों को नीचे फ्लोर पर रख दीजिए, जितना कंफर्टेबल है उतना नीचे जाइए। एंड देन फाइनल पोस्चर में आप लोगों को अपने जो आपका हेड है आपको अपने लेग्स पे टच करना है। एंड देन स्लोली कम बैक। सो ये था पश्चिमोत्तानासना फॉरवर्ड फोल्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे हलासना। हलासना करने के लिए आप लोग अपने बैक पे लेट जाएंगे। इन आसनास को करते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ध्यान रखिए कि आपकी सांस जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। आप लोगों को बहुत ही ब्रीदिंग जो अपना है वो उस पर ध्यान रखना है। हर आसना में आप लोगों को डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते रहना है। तो हम लोग करेंगे हलासना। हलासना करने के लिए बैक पे लेट जाएंगे, पहले दोनों लेग्स को लिफ्ट करेंगे। इसके बाद अपने हाथों से सपोर्ट देंगे, अपने हिप्स को ऊपर की तरफ को उठाएंगे और अपने दोनों लेग्स को पीछे लेके जाएंगे। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो जबरदस्ती अपने लेग्स को फ्लोर पे टच करने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग सपोर्ट के लिए यहाँ पे कुछ पिलोज रख सकते हैं, कुछ कुशन रख सकते हैं, या फिर जहां तक जा पा रहे हैं बस वहां तक जाके होल्ड करिए। फाइनल पोस्चर में आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से लिफ्ट किया, दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे, लेग्स को फोल्ड नहीं करेंगे। एंड देन स्लोली ड्रॉप योर लेग्स डाउन। दोनों हाथों को फ्लोर पे स्ट्रेट कर दीजिए एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। के बाद धीरे धीरे वापस आने का तरीका, वापस सपोर्ट दीजिए अपने हिप्स को एंड धीरे धीरे अपने लेग्स को वापस फ्लोर पे लाइए, बैक को स्ट्रेट करिए एंड लेग्स को नीचे फ्लोर पे रख दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो है विपरीत करनी। अगर आप लोग विपरीत करनी नहीं कर पा रहे हैं तो बस आप लोग अपने लेग्स को 90 डिग्री स्ट्रेट रखिए, जिसको हम लोग रेज लेग भी बोलते हैं। आप लोग वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर दीजिए। तो अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप लोग स्टार्ट करेंगे किसके साथ, रेज लेग पोजिशन। इस तरह से अपने दोनों लेग्स को रखेंगे, चाहे तो वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं, वॉल के सपोर्ट के साथ अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट विपरीत करने के लिए आप लोगों को अगेन अपने हाथों के साथ अपने हिप्स को ऊपर की तरफ को उठाना है, जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए। उसके बाद अपने दोनों लेग्स को ऊपर स्ट्रेट रखेंगे, इस तरह से हाथों के साथ हिप्स को ऊपर की तरफ को पुश किया। एंड यहाँ पे होल्ड किया, तो ये हो गया विपरीत करनी। यहाँ पे आप लोग होल्ड कर सकते हैं 3 to 4 breaths के लिए, देन कम बैक।
ये जो हम लोगों ने लास्ट में अभी आसनास किए, विपरीत करनी, रेज लेग पोजीशन, हल आसना, इन आसनास मतलब ये हम लोग यहाँ पे इन्वर्जन कर रहे हैं। तो इन्वर्जन करने से क्या होता है, आपकी बॉडी में जो नेचुरल ब्लड फ्लो होता है डाउनवर्ड मूवमेंट में, तो वो आपका यूजली डाउनवर्ड मूवमेंट में ही ब्लड फ्लो होता है, बट इन आसनास को आप लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो रिवर्स मूवमेंट में जाता है, तो यूजली नहीं होता है। तो बॉडी के लिए वो एक नया चीज हो जाती है जब बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है। तो बट विद दीज प्रैक्टिसेस हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से हो पाता है, हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। तो अपार्ट फ्रॉम दीज आसना, इन आसनास को आप लोग अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में इंक्लूड करेंगे तो आपका स्टेमिना जो है वो जरूर इम्प्रूव होगा। बट इसके अलावा भी आप लोगों को सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस और कपालभाति की प्रैक्टिस भी जो है वो स्टेमिना को जो इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो स्पेसिफिक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।